विमल उमराव और इस समय आरसीटी पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है जो 10 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। आप जैसा ड्रेस वगैरह देख रहे हैं तो ये हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से ही प्रोवाइड कराई जाती है। मैं ट्रेनिंग लेने क्यों आया इसके बारे में सारी जानकारी आपको लोगों को दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है एक सिलेबस नहीं था जो मैं आप लोगों को बेटर ढंग से उस चीज़ को बता सकूं। तो बहुत ही अच्छा आपको आगे जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छा सिलेबस टाइप का कैसा क्या पढ़ाते हैं ताकि एक अनपढ़ जो किसान है वो भी सीख सके। एक चीज़ आरसीटी के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो संस्थान है ये 1982 से चल रहा है और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यदि आप लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपके ज़िले में आरसीटी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, संस्थान बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसा बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ट्रेनिंग कैसे लें, क्योंकि प्राइवेट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं काफ़ी हाई चार्ज लेते हैं और हमारे किसान भाइयों के पास पैसे का अभाव होता है। तो वो ऐसे किसान भी जा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर फ्री आप पोस्ट है। एक सवाल मैं आप लोगों को मन में और आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चले कि हमारे जो ज़िले में है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, क्योंकि कई लोगों के पास उसका एड्रेस नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इंडिया के किसी भी आरसीटी का नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप जाके वहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए जी, यहाँ पे पढ़ाया क्या क्या जाता है इसके बारे में यदि जानकारी चाहिए तो ये जो हमारे साथी लोग हैं ये आपको बेटर ढंग से बताएंगे। इनसे चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आते हैं भाई के पास। भाई आपका क्या नाम है? तो सूरज जी आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला कितने दिन का चला? 10 दिन का। 10 दिन आप कैसा लगा ट्रेनिंग में? अच्छा ही लगा। क्या क्या पढ़ाया गया बकरियों के बारे में? बकरियों के बारे में नस्लें बताई गई। अच्छा, बकरियों को इनको नस्लों के बारे में बताया गया, तो नस्लों के बारे में आपने कुछ नस्ल के नाम बता सकते हैं? जी, बर्बरी है और ब्लैक बंगाल है और जमुना पारी है। चलिए बहुत अच्छा। अगले भाई से हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप भाई कहाँ से आए? खागा से आते हैं। नाम क्या है? नाम रविकरण मौर्य। अच्छा, कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था आपका? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन का था। ट्रेनिंग में आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले जब आप आए हुए थे उससे आप बेटर महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? अब उससे बहुत बेटर महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि हमको बकरियों के नस्लों के बारे में नहीं जानकारी थी, बकरियों की बीमारी के बारे में नहीं जानकारी थी, और चारे में क्या खिलाना चाहिए और पौष्टिक आहार क्या देना चाहिए। जैसे कि हमको बताया गया है यहाँ कि ये बड़े आकार की बकरी होती है या ये मध्यम आकार की बकरी होती है, छोटे आकार की बकरी होती है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ये मध्यम आकार की होती है या छोटे आकार की होती है या बड़े आकार की होती है। ये जानकारी हमें यहाँ आरसीटी द्वारा मिली। और तो आप जैसा यहाँ फतेहपुर के आसपास हैं तो कुछ जलवायु के हिसाब से भी यहाँ पे आपको बकरियों का प्रबंधन के बारे में बताया गया होगा कि यहाँ पे जलवायु पे कौन सी बकरियाँ रह सकती हैं। तो यहाँ से जाने के बाद आपने क्या विचार किया, जलवायु के हिसाब से बकरी पालेंगे जो यहाँ के मौसम में सूट करती हैं, तो कौन सी बकरी से काम चालू करना चाहेंगे इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि बर्बरी है और ये ब्लैक बंगाल है, सिरोही भी डाल सकते हैं, ये जलवायु में बढ़िया सूट करेगी, और जमुनापारी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक और आप मुझसे जुड़े रहिएगा, इस काम में हैं, काम को चालू करते हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूं। जैसे हमारे दर्शक भाई हैं मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई 2-3 साल से काम कर रहे हैं। और अगला और कुछ लोगों से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आ जाओ भाई, इधर आओ। प्रमुख जी कौन है? प्रमुख जी नहीं है, ये प्रमुख जी व्यस्त है। हाँ तो भैया आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं सराया भैया ग्राम सभा से रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, और मेरा क्वालिफिकेशन हाई स्कूल व्यवसायिक संगठन कॉमर्स साइट से मैंने पास किया है।
और मैं शुरू से ही मेरा ही एक ऐसा रुझान था व्यवसाय की ओर मैं जाऊं, इसीलिए ऐसी मैंने शिक्षा भी ग्रहण किया। कुछ कारणवश फिर आगे उस शिक्षा को मैंने नहीं प्राप्त किया। उसके बाद फिर मैं ये सब्जी मंडी का व्यवसाय शुरू किया, कृषि से भी जुड़ा हुआ था, कृषि को भी मैंने अपना व्यापार के अंतर्गत उसमें उत्पादन साग सब्जियां फसलें इत्यादि अपने अनुसार से उसको मैं कर रहा था। फिर मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि कुछ अलग हट करके करते हैं, फिर मैं पशुपालन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि कहते हैं प्लेटफार्म आदमी को चेंज करना चाहिए, वहाँ से हमारी कुछ ज़रूरतें पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी, तो फिर ये RCT के माध्यम से हम कुछ जानकारियाँ मिली। अब RCT के विषय में मुझे कैसे जानकारी मिली इसको मैं नहीं जानता था कि ये कैसा संस्थान है, यहाँ कैसे कैसे प्रशिक्षण होते हैं। मेरे ग्राम सभा के प्रधान जी वहाँ से वहाँ पे हम मिलने गए थे, तो उन्होंने इसके बारे में हमको जानकारी दिया कि आपके ज़िले में थरियाँव में एक RCT संस्थान है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपको जो है प्रशिक्षण, जो भी आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसका आपको प्रशिक्षण मिलेगा। प्लस हम नेक्स्ट वीडियो बैंक के द्वारा यदि आपके पास आर्थिक समस्या है तो उसका जो है आप नेक्स्ट वीडियो उसके भी वो पैसा भी आपको धन भी मुहैया होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। RCT संस्थान से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, जैसे बकरी पालन के विषय में हम प्रशिक्षण ले रहे थे तो उसमें जो है चारा समुदाय, बकरियों की नस्लें, उसका प्रबंधन, बाड़े का आकार, उसके इलाज के विषय में छोटे मेमनों को कैसे रखना, मध्यम आकार के जो हमारे वयस्क बच्चे आ जाते हैं उनको कैसे रखना है, और मौसम के हिसाब से कैसी हमारे यहाँ बकरियाँ सूट करती हैं उसके विषय में हमें मेंटेन किया गया है, और मानसिक तौर से भी हमें यहाँ पे मजबूत किया गया है। जिस क्षेत्र में हम कुछ विषयों में जैसे हम पिछड़ जाते हैं ना जानकारी के अभाव में, तो उस विषय में हमें पूर्ण रूप से यहाँ पे परिपक्व किया गया। इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ की ट्रेनिंग से जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। जी हाँ, मैं संतुष्ट। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से सीखने के बाद जब आप जाएंगे तो आप एक सफलतापूर्वक अपना काम कर पाएंगे? हाँ, मुझको पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर कि यहाँ से जैसी ऐसी शिक्षाएं मुझे प्राप्त हुई हैं कि यदि इनको मैं अपने जीवन में अमल करूँगा तब तो मैं पूर्ण रूप से वो सफलता की सीढ़ी मजबूती के साथ RCT संस्थान की तरफ से मैं अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि मार्केटिंग से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी जो सर द्वारा हमें प्रोवाइड कराई गई है, क्योंकि इसका हिस्सा मैं भी हूँ, तो मार्केटिंग का बहुत अच्छा जो है सारी चीज़ें बताई गई।